फिर नहीं। आज प्रस्तुत है पंजाबी नाटक दूजी वार नटोरी बावला का हिंदी रूपांतर। लेखक और हिंदी रूपांतरकार हैं श्री एम आर चांदला। तो सुनिए नाटक नहीं फिर नहीं। गुरमीत। हाँ जी। देखना बाहर कौन है, लगता है तेरी बहन मंजीत आ गई है। अच्छा माँ। आ गई मेरी ती रानी। हाँ जी। बहुत देर कर दी तूने। अच्छा बता, इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ माँ, और लगता है इस बारी मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। अच्छा। पर लौटते समय साइकिल की चेन ने बहुत परेशान किया, बार बार उतर जाती थी। ओहो। इसी वजह से मैं लेट भी हो गई। देखना मेरे हाथ भी कितने काले हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तू पहले हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी बना देती हूँ। ठीक है माँ। अरे मैं तुम्हें कहता हूँ, अब इसके हाथ पीले करने की सोचो। जो रिश्ता इसके लिए आया है वहाँ इसे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं होगी। अरे लड़का कनेडा गया हुआ है, पर गाँव में सबसे ज्यादा जमीन है उनके पास। बस एक छोटा भाई है जो 7वीं क्लास में पढ़ता है। मेरे ख्याल से हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओहो, आप तो हर बात में जल्दी करने लग जाते हो जी। क्यों ना करूं भगवान को। और अरे 3 बेटियों का बाप हूँ, बड़ी के बाद छोटियों का भी तो सोचना है, उन्हें भी तो घर से विदा करना है। पर देखो ना, जीता तो सबसे छोटा है, वो कब जवान होगा, कब कमाना शुरू करेगा, किसने देखा है। ओहो, आप फिक्र ना करो जी, वो रब है ना सब ठीक करने वाला। रब किस तरह ठीक करेगा? मैं कोई कारवार बतलाता हूँ तो कभी तुम्हें लड़का है भी लगता है, या फिर तेरी लाडली पढ़ाई का बहाना लगा मौका हाथ से निकाल देती है। वो इस तरह कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। देखना अब तो इसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, लड़का लाखों में एक है। ओए लखापति लोग हैं वो लखापति, तू अभी भी टालने की कोशिश कर रही है। लो पला, मैं किस लिए टालने की कोशिश करूंगी, मुझे क्या आपसे कम फिक्र है। मैं दाने साफ कर देती हूँ। अच्छा। तुम थोड़ा आराम कर लो। ओ, चल चल अंदर, बड़ी आई है दाने साफ करने वाली, अपनी पढ़ाई कर, चल कर। बाऊजी वो मैं तो... ओ जा ना। ओहो, आप लड़कियों से कैसा व्यवहार करते हो जी। उसे पता है कि हम मंजीत के ब्याह की बातें कर रहे हैं, वो सुनने आई थी, अभी जाकर सब कुछ बतला देगी मंजीत को। ओ भगवान कौर, ये दाने दूध दही साग सब्जी और कार का आधे से ज्यादा खर्च तो गांव वालों ने उठा रखा है। कभी सोचा है कि अगर मैंने शहर से गांव आकर मास्टरी ना की होती तो परिवार का गुजारा कैसे चलता, कैसे ब्याह करता 3-3 लड़कियों का। ओहो, आप तो कुछ और ही सोचने लग गए। ठीक है, मैं अभी मंजीत को रोटी देकर उसे ब्याह की बात छेड़ूंगी। पर कल सुनो, आपने ये तो बतलाया ही नहीं कि रिश्ता कहाँ से आया है और बिचौलिया कौन है। दौलतपुर के नगीना सिंह को कौन नहीं जानता है। उसी के बड़े बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा? ये रिश्ता मेरी बहन का दामाद करा रहा है, और ये तो हमारा भाग्य है कि इतना अच्छा लड़का मिला है। बात सुन, और फिर दहेज भी तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तुम अब मंजीत को समझाओ, कोई बहाना वाना बनाने की कोशिश ना करे। हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। नी गुरमीत। हाँ जी। नी मंजीत। हाँ जी। कहाँ हो तुम दोनों, अभी जीता और वीरो भी नहीं आए पढ़कर। माँ हम यहाँ ड्योढ़ी में बैठी हैं, आप भी आ जाओ। अच्छा मंजीत पुत्र, चल पहले रोटी खा ले, सवेरे से तूने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। नहीं भूख क्यों नहीं है, चल कुछ खा ले पुत्र। मैंने कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है। नी गुरमीत। हाँ जी। तेरे बौजी ठीक ही कह रहे थे, तूने जरूर इसके कान में फूक मारी है ना। तो चल तू अपनी पढ़ाई कर, मुझे मंजीत से कोई बात करनी है। मैं नहीं जाती, बाऊजी तो पहले ही पास नहीं ठहरने देते, और रही सही कसर तुम पूरी कर दिया करो। हाँ। माँ इसे यहीं रहने दो, आपको जो बात करनी है करो। ठीक है, गल सुन, तेरे बौजी तेरे ब्याह की बात कर रहे थे, पता है लड़का कैनेडा में है। मुझे सब कुछ बतला दिया है गुरमीत ने। फिर तुझे ये भी बतला दिया होगा कि लड़का अगले महीने आ रहा है और शादी करके जल्दी वापस चला जाएगा। माँ इतनी भी क्या जल्दी है, बाऊजी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया,
मैं भी चाहती हूँ कि नौकरी करके घर के बोझ को कुछ हल्का करूँ। बल्कि मेरा तो कहना है कि पहले छोटी बहनों को रवाना कर, फिर अपने बारे में सोचूं। माँ, इस बारी तो मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ है। मुझे यकीन है कि ये नौकरी मुझे जरूर मिल जाएगी। और एक बात मेरी भी सुन लो, जो लड़के विदेश होकर आते हैं ना, उनकी आंखें तीसरे आसमान पर टिकी होती हैं। आपने देखा नहीं सोन के दामाद को? ओहो गुरमीत पुत्र, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। माँ, फिर भी गुरमीत ठीक कहती है, किसी हद तक रिश्ता तो बराबर वालों से ही किया जाना चाहिए ना। देख माँ, समय आने पर बाऊजी पले ही किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ भेज दें, पर अभी जल्दी ना करें। माँ, आप बाऊजी को समझा दो ना। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, माँ बेटियाँ जो खिचड़ी पका रही हैं ना, वो मैंने सब कुछ सुन लिया है। एक अच्छे जमींदार का रिश्ता खुद हमारी दलीज पर आया है, इस तरह के अवसर रोज रोज हाथ नहीं आते। वह राज करेगी राज। पर गल सुनो मंजीत के बौजी, अगर हम थोड़ा सोच विचार कर लें तो। मैंने इस बड़ी के बाद छोटियों की भी तो सोचनी है, मुझे इसकी नौकरी और सहारे की जरूरत नहीं। अगर इसे हमारी इतनी चिंता है तो ध्यान रखे अपने छोटे भाई के भविष्य का। शादी के बाद ये भाई को कनाडा बुलवा सकती है, क्या ये अपने भाई की खुशहाली देखना नहीं चाहेगी? ओहो, आप तो बहुत दूर की सोचने लग गए। क्यों ना सोचूं हैं? आजकल कैसे मुंह खुले हुए हैं लड़के वालों के, इनकी तो मांग भी कोई नहीं, और जीते के बाहर जाने पर फिर हमारे दिन भी तो फिर जाएंगे। पर फिर भी कुछ तो सोचने समझने का मौका चाहिए ना। कान खोल कर सुन लो, मैंने इस रिश्ते की हाँ कर दी है। अगले महीने मैं शादी की तिथि पक्की करने सवेरे ही लड़के वालों के गांव जा रहा हूँ। बस बस, बहुत हो गया तमाशा। ना पुत्र, चुप कर जा। दीदी चुप कर जा पुत्र, ना रो, मेरी तेरा नहीं है। जीते के बाऊजी, क्या बात है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात करके आए हो लड़के वालों से? आज ही काके सुरेंद्र का पत्र आया था कनाडा से कि काम की वजह से अभी वो 6-7 महीने इंडिया नहीं आ सकता। चलो फिर तो हमें 6-7 महीने का टाइम मिल गया सोचने को। तुम्हारा सबका दिमाग एक तरफ क्यों चलता है? लड़के के माँ बाप भी यही कह रहे थे कि सुरेंद्र के आने पर ही वो धूमधाम से बारात लेकर आएंगे। तब आपने क्या कहा? मैं तो जोर डालकर उन्हें रजामंद कराया हूँ कि लड़के की फोटो के साथ ही शुभ कार्य कर देते हैं। वो बारात लेकर अगले महीने की 10 तारीख दिन इतवार को आएंगे। तुम आज से ब्याह की तैयारी शुरू कर दो बस। फोटो के साथ ब्याह जैसा शुभ कार्य? हाँ, मैं क्या मंजीत के बाऊजी, दिन पक्का करने से पहले आप घर में विचार तो कर लेते, बेटी की सलाह तो ले लेते, आखिर वो भी पढ़ी लिखी है। मेरी ही पढ़ाई हुई है, मैं सारी दुनिया को पढ़ाता हूँ, तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश ना करो। क्या फोटो से शादी होती नहीं देखी तुमने? हम कोई नया काम करने चले हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, आपसे कोई जीत सका है भला? बातें बनाती रहती है। चुप कर जा पुत्र, चुप कर जा, नहीं तो मुझे भी अपने आप को संभालना मुश्किल होगा पुत्र। ना पुत्र ना, इतना नहीं रोते, चुप हो जा, अपने घर सुखी रहो। इस घर में तेरा इतना ही दाना पानी लिखा था पुत्र, अगर माँ बाप के वश में होता तो बेटियों को ससुराल कभी ना भेजते। क्या पुत्र, आज से सास ससुर ही तेरे माता पिता है, उनकी जी जान से सेवा करना पुत्र। क्या पुत्र, जा छोटी बहनों और सहेलियों से मिलकर अपने पौजी को भी ले। दीदी दीदी बस करो, अब बस करो, मुझे बहुत मिल लिया, पहले ही लेट हो गए हैं वो। मेरी बेटी को डोली में बिठाओ, उन्हें दूर जाना है, चलो जल्दी करो। दीदी चलो। बलवंत कौरे। हाँ जी भाई। बहू को आए अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए, पर ये घर में इस तरह से कुल मिल गई है जैसे हमेशा से ही इस परिवार की सदस्य हो। हाँ जी, मैंने तो जी आपसे डर के मारे बात ही नहीं की। है?
छिंदे के बाऊजी, आपको पता है डोली से उतरते ही उसने घर का सारा काम खुद संभाल लिया है। अच्छा? हाँ जी, आप तो सारा दिन खेतों में रहते हो ना, आपकी बहू की जितनी प्रशंसा करूं जी उतनी कम है। मुझे तो उसने चार पाई पर सजा के बिठा दिया है। पलिए मानसे, तू पहले ही बता या ना बता, मुझे तो घर के बदले हुए नक्शे और रोटी पानी के स्वाद नहीं सब कुछ बता दिया है। हाँ। अच्छा। और सुनो जी, अपने मायके से आई चिट्ठी का पता है इसने क्या जवाब दिया? ओ भाई, तूने मुझे बताया हो तभी तो पता चले ना। उन बेचारों ने तो लिखा था कि मिलने को बहुत मन करता है, जल्दी से लिखो तुम्हें दो चार दिनों के लिए लेने कब आए। इसने उसी वक्त जवाब लिख भेजा कि दीपे के पेपर होने वाले हैं। अच्छा? उसके बाद आपको लिख दूंगी, फिर आकर ले जाना। वैसे एक गल तो है, अब हमारा दीपा पढ़ने में होशियार हो गया है। हाँ जी। क्या बात है, अभी तक नजर नहीं आई मंजीत, कहाँ है वो? आज वो दीपे के स्कूल गई है। अच्छा। कहती थी मास्टरों के साथ दीपे की पढ़ाई के बारे में बात करनी है। अच्छा अच्छा। आगे आठवीं की पढ़ाई है अभी तो मुश्किल। हाँ। दीपे का भी वो बहुत। हेलो जी, आ गई अपनी मंजीत। सारे बरस जिएगी तू पुत्र। आ पुत्र, बैठ जा। बाबूजी, आप कब आए? बस पुत्र, थोड़ी देर होगी। मैं जरा दीपे के स्कूल गई थी। हाँ पुत्र, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया। बाबूजी, आप पहले ये बताओ कि रात को रोटी खाने घर क्यों नहीं आए, कुएं पर क्यों मंगवाई? अभी भी आपकी आंखों में निंदर है। पुत्र, अपनी बड़ी गाय काफी दिनों से बीमार है। अच्छा? रात में ठंड काफी थी और उसकी तबीयत ही काफी खराब थी, सो मैं सारी रात उसके पास आग जला जला कर गर्मी करता रहा। छोटी सी बच्ची पाली थी हमने और पूरे 15 बरे दूध पिया सारे परिवार ने इस गाय का। सच मन्नी पुत्र, हम जाट जमींदारों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार होता है अपने पशुओं के साथ। अब क्या हाल है उसका? मैं भी उसे देखने जाऊंगी। आज रात मैं और माँ जी उसकी सेवा करेंगे। आप आराम कीजिए। मंजीत ठीक कहती है जी, मेरा भी बहुत मन है उसे देखने का। तुम वैसे ही चक्कर लगा ना, ऐसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा बाबूजी, मैं आपके लिए पहले चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आप थोड़ा आराम कर लेना। ओए, बलवंत कौरे। हाँ जी। लगता है कोई पिछले जन्म का बिछड़ा जीव हमें इस बहू के रूप में मिला है। सच? हम सब का कितना ध्यान रखती है। ओए, ओए पुत्र छिंदे, कितना स्वभावशाली है तू, जिसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। आजा पुत्र, आजा, वो छोड़कर विदेश को आजा और अपना ले अपने इस देश की ठंडी सुख ते प्यार परिवार को। आजा पुत्र, वो लगा दे चार चन्न अपने आंगन को। आजा, आजा पुत्र, अब तेरा कर। आजा। ओए, मैंने आज तुमसे बात नहीं करनी। हाँ क्यों भाई? मुझे एक बात पूछनी है। सच सच कह, बतलाएगी मुझे? जरूर बताऊंगी। नहीं इस तरह नहीं, पहले मेरी सौगंध ले। ले, ऐसी क्या बात है जिसमें अपनी सौगंध दे रहा है? देख, अच्छी और सच्ची बात पूछते समय सौगंध लेने की जरूरत नहीं होती, फिर तू ते मुझे प्राणों से भी प्यारा है। पूछ, क्या पूछना है? भाभी, भाभी तुझे कभी मेरे पिताजी की याद नहीं आती? अरे दीपे, तू बहुत शैतान हो गया है। मैं तुझे सवेरे ठंडे पानी से नहलाऊंगी, फिर देखना क्या क्या याद आता है। भाभी देख, बात को टाल मत और सच सच बता। दीपे, तू याद की बात करता है? वो तो मेरे सपनों में भी आते हैं। अच्छा? रात भी मेरे सपने में आए थे। अरे वाह। भाभी, रात को की सपना आया था है? मुझे भी सुना ना। देख, प्राजी की बात सुने बहुत देर हो गई। तेरे प्रा ने मुझे अपने ट्रैक्टर पर बिठाकर पहले अपने खेतों की सैर कराई, फिर
फिर ट्रैक्टर को एक लंबी सड़क पर ले आए। आगे एक बहुत बड़ा तालाब आया और हाँ उसके आगे एक अमरूदों का बाग। वे क्या बात है दीपे, सो गया तू? हुंकारा क्यों नहीं देता? भाभी भाभी मैं तो सोच रहा हूँ तू सपना सुना रही है या सचमुच की बात है? हाँ वो हमारे कुएं के आगे लंबी सड़क भी है, आगे तालाब भी है और फिर अमरूदों का बाग भी। सच्ची? हाँ भाभी भाभी तू तो कभी उधर गई नहीं। हाँ। अच्छा जल्दी जल्दी सुना आगे कहाँ तक गए आप लोग? फिर ना तेरे प्राजी ने ट्रैक्टर बहुत तेज चलाया। हाँ। और ट्रैक्टर थोड़ी दूर जाकर एक रेत के टीले के पास रुक गया। अरे वाह। तेरे प्राजी कहने लगे तेल खत्म हो गया है, मैं तेल लेकर आता हूँ, तू यहीं बैठ। अच्छा। उन्होंने ट्रैक्टर से छलांग लगाई ते मेरी आंख खुल गई। अच्छा भाभी हुन तो इस तरह कर जल्दी जल्दी सो जा। क्यों क्यों? देखना भाभी आज सपने में प्राजी तेल लेकर वापस जरूर आएंगे। सो जा तू सो जा। रब करे तेरा घास सच हो दीपे। देख कितना दिन चढ़ाया है पुत्र, है? तू अभी तक सोया हुआ है? सोने दो ना। तेरे बाऊजी कुएं से भी आ गए हैं। उठ 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 कर नहा ले। हैं शाबाश शाबाश बेटा, स्कूल के लिए तैयार होना है, उठ जा उठ, आ जा शाबाश। लगता है हमारे घर की तरफ कोई आ रहा है, देखता हूँ। हैं डॉक्टर साहब और ये अस्पताल की गड्डी, भगवान करे सब सुख होवे जी। वो सरदार नगीना सिंह जी का कार यही है जी? हाँ जी मैं ही हूँ नगीना सिंह जी। सुरेंद्र सिंह आपका पुत्र है? हाँ जी, उसे तो कनाडा गए 3 बरस हो गए हैं जी। जी कनाडा सरकार ने उसे भयानक बीमारी की हालत में वापस भेज दिया जी। क्या बात है दीपे के बाबूजी, ये क्या बात कर रहे हैं चिंदे के बारे में? मंजीत जी। हाँ जी। ये गड्डी तो अस्पताल की है ना? हाँ जी, पर ये आए किस वास्ते? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अंदर चलो। मेरे को बताओ जाओ अंदर। क्या कह रहे हैं ये? सर डॉक्टर साहब जी, सुरेंद्र अब है कहाँ और उसे कौन से भयानक बीमारी लग गई है, मुझे जल्दी बताओ, मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। नगीना सिंह जी जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विदेश में आपका बेटा कुसंगत में पड़कर एड्स का शिकार हो गया था कि? और अब उसका शरीर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की यह हिदायत है कि परिवार के मुख्य सदस्यों को बुलाकर अंतिम रस्म दिल्ली में ही कर दी जाए। ये लीजिए स्वास्थ्य विभाग का पत्र। ये नहीं हो सकता। जिंदगी क्या हुआ? ओए मेरी तो कमर टूट गई। बताओ ना क्या हुआ? क्या कुछ बोलो तो। क्या हुआ? साडा जिंदा नहीं रहा उन्हें। लो जी आज भोग की रस्म भी अदा हो गई। देखो कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गया। मेरे चिंदे नु घर तो क्या गांव पहुंचना भी नसीब ना हुआ। दीपे दी माँ शायद उसके गांव ना पहुंचने में ही पलाई थी। ईश्वर जो भी करता है शायद
ठीक ही करता है। आप क्या कह रहे हो जी? ओए बोलिए, तू नहीं समझेगी, नहीं समझेगी तू। मंजीत के पिताजी भी इधर ही आ रहे हैं, जरा चार पाई इधर कर दे। आओ आओ जी, करतार सिंह जी आओ बैठो। वो नगीना सिंह जी, जी बहुत आज संपन्न हो गया। हाँ जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कर लो जी। क्यों ना मंजीत के सामने ही कर ली जाए? ओ जी, इस घर में मंजीत से किसी बात का पर्दा थोड़ी है मास्टर जी। आप जो बात करना चाहो कर लो। हेलो, मंजीत भी हमारी तरफ ही आ रही है। हाँ बेटी बैठ जा। हाँ जी मास्टर जी, आप क्या बात कर रहे थे? जी वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने मंजीत को साथ ले जाना है। बस जी, इतनी सी बात? आप इस तरह करना जी कि दो चार दिनों बाद आकर मंजीत को ले जाना। थोड़े दिनों के लिए मायके रह आएगी, इसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। मैं थोड़े दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ। है मेरी मेरी बेटी किस उम्मीद पर रहेगी अब इस घर में? जी? उसका क्या रिश्ता रह गया अब आप लोगों के साथ? करतार सिंह, क्या बात करते हो? हाँ। हमारा कोई रिश्ता नहीं इसके साथ। ये कार इसका है, ये हमारी बेटी है। ये सब जज्बाती बातें हैं सरदार जी। नहीं, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों कंधेरे कुएं में धक्का नहीं दे देना है। नहीं नहीं मास्टर जी, नहीं मास्टर जी, अभी हमारा पहली चोट का घाव हरा है, हमसे दूसरी चोट नहीं सही जाएगी। हमें इतनी जल्दी दूसरा जख्म मत दो, हमें संभल लेने दो मास्टर जी, संभल लेने दो। जख्म का इतना ही भय था ना तो अपने पुत्र को बिगाड़ा क्यों? बाऊजी बस आगे एक शब्द भी ना बोलना, बोलने से पहले कुछ तो सोचा होता कि क्या बात कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। पुत्र मैं तो तेरे ही पले की बात कर रहा हूँ। तुम ही बताओ, तुम्हारे पति के बाद क्या अहमियत रह गई है इन संबंधों की? सभी रिश्ते झूठे नहीं हो गए झूठे? बस करो बाऊजी, आप तो ये भी कहने से नहीं हिचकोगे कि महाराज जी की हजूरी में लिए चार फेरे भी झूठे थे, वो सारी रस्में भी झूठी थी। बाऊजी इन रिश्तों की गांठों को इतना ढीला मत समझो। ओ बेटी 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 मेरी बात सुन, तू जो इंटरव्यू देकर आई थी ना, वो नौकरी तुझे मिल गई है। अरे मेरा कहा मान, अभी भी गिरे बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे तू नहीं समझेगी, तेरे सास ससुर तुझे अपने सुख के लिए यहाँ रखना चाहते हैं। अरे पशु की तरह अपने कीले से बांधना चाहते हैं। अरे अपने लालच के कारण ये इंसान के दुख को नहीं समझ सकते। बाऊजी, तुम इंसान के दुख की बात करते हो, अरे ये लोग तो बेजबान पशु के दुख को भी उतना ही समझते हैं। बाकी रहा कि कौन कितना लालची है, मुझे अब ये जानने की जरूरत नहीं रही मंजीत। इसलिए मेरा भी अब आखिरी फैसला सुन लो। इस अनहोनी घटना के बाद इस घर के लिए मेरी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। यही मेरे माता पिता और यही मेरा कार्य है। पुत्र मंजीत, मेरी भलाई अब इसी में है कि अब आप यहाँ से चले जाओ और भूल जाओ कि मंजीत आपकी बेटी थी। भूल जाओ पुत्र मंजीत। बाजी दीपे के बाऊजी। हाँ। किन सोचों में हो? हाँ? अब अपने आप को संभालने की कोशिश करो। हाँ। जो कैर टूटना था वो तो टूट चुका। हाँ। अब तो आगे की सोचो। दीपे की माँ, मैं आगे की ही सोच रहा हूँ। मंजीत ने हमारे लिए उस दिन अपने बाऊजी को कह दिया कि वो अब उसे भूल जाएं।
आज चिंदे को गुजरे 1 साल हो गया, 1 साल, और ये 1 साल वो हमारे लिए 1 सदी से भी ज्यादा लंबा लगा। जरा सोच, मंजीत बेचारी पहाड़ सरीखा जीवन कैसे गुजारेगी। यही तो दुख है जी। और अभी इसकी उम्र ही क्या है, और साथ ही हमें क्या हमेशा बने रहना है। सुनो, जो बात मैंने तेरे से की थी तूने मंजीत से की। सच पूछो तो ये बात करने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। आप मंजीत से खुद ही बात कर लो ना। तो ठीक ही कहती है, मुझे इसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ। मैं अभी बात करता हूँ, बैठक में होगी शायद। हाँ वही होगी। मंजीत, मंजीत पुत्र। जी बाबूजी। आओ बाबूजी। बैठी रहे, यहीं बैठी रहे पुत्र। जी। वो, मैं वो तेरे से एक जरूरी बात करने आया हूँ। पहले आप बैठो तो बाबूजी। हाँ हाँ। मुझे बताओ आपकी तबीयत कैसी है? आज दवा ली थी ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ बेटी। वो दवा की तो मुझे याद ही नहीं रही, पर मैं ठीक हूँ। आप अभी दवाई ले लीजिए। हाँ हाँ, आप कुछ जरूरी बात करने आए थे? क्या है वो? हाँ हाँ हाँ, वो बेटी। हाँ बाबूजी। बेटी मंजीत जी, वो इस बार वो बारिश कम हुई है ना? नहीं बाबूजी। हैं? बारिश तो बहुत अच्छी हुई है। अच्छी हुई है? अच्छा अच्छा। हाँ 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 पुत्र, वो अपना दीपा अब साइकिल पर स्कूल जाता है ना? बाबूजी वो तो हमेशा से ही साइकिल पर ही जाता है। अच्छा अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। बस मुझे तुमसे यही बात करनी थी। नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, नहीं। अपनी बेटी से असली बात छुपा रहे हैं। है? बाबूजी, क्या ये बेटी इस लायक भी नहीं रही कि अपने बाबूजी के दिल का पार हल्का कर सके? नहीं, 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 नहीं बेटी, इस तरह मत कह। तो फिर बताओ ना, क्या बात करने आए थे? बेटी, वो बेटी, तेरे लिए मैंने एक लड़का देखा है। बाबूजी आप? हाँ बेटी, वो लड़का प्रोफेसर है। बाबूजी, अपनी इस बेटी को आप? नहीं, आप भी? नहीं 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 मंजीत, तू मेरी बेटी है, इसीलिए तू अपने पिता का भार बांट ले और मुझे मुक्त कर दे बेटी के बाहर से। नहीं, नहीं बाबूजी। पुत्र, दूसरी बार मुझे ससुराल नहीं भेजना बाबूजी। पुत्र, फिर नहीं। नहीं, नहीं बाबूजी, नहीं, फिर नहीं। पुत्र, मत भेजना बाबूजी। मान ले अपने बाबूजी की बात। नहीं फिर नहीं। अभी आप पंजाबी नाटक दूजी वार न टोरी बांवला का हिंदी रूपांतर सुन रहे थे। लेखक और हिंदी रूपांतरकार थे श्री एम आर चांदला। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभा कांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, मंजू मैनी, वीणा होरा, टी आर मेहता, सुनीता ठुकराल, योगेंद्र टिक्कू, प्रवीण शर्मा, राजेंद्र वर्मा, उमराव सिंह, किशोर सहजवानी, SP इलाहाबादी और प्रतिभा शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।